नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनकी तकदीर में खुशियां होती हैं वह झोपड़ी में भी हंसते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। सोचने वाली बात है, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते हो तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाले पिता रहते हैं। घर भी तो एक मंदिर है। दुआ करो और दुआ के साथ सब्र भी किया करो, क्योंकि वह सबकी सुनता है, लेकिन किसी किसी को सब्र के लिए भी चुनता है। अहंकार दूसरों को झुकाने में आनंदित होता है और संस्कार खुद झुकने में आनंदित होता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कुदरत की बनाई हर चीज बदलती है, वक्त, मौसम, इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इंसान के लिए हितकारी है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बांधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भोरे का शरीर बहुत होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भोरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भोरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं
और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास हजार वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है, दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे। भागते रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा द्वार। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार रखते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमां में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है, गिर गिर कर ही। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, आपने अवतार फिल्म का एक गाना सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है। यह सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। इसकी गहराई में जाने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूं। किसी जंगल में एक पेड़ पर नवरंग पक्षी रहती थी जो बहुत ही सुंदर थी। जंगल में वह सबसे सुंदर थी, सभी पशु पक्षी उसे श्रेष्ठ मानते थे। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता तो वह खुश हो जाती। बसंत का महीना था, एक दिन कोयल अपनी मधुर आवाज से सबके कानों को खुश कर रही थी। जब नवरंग के कानों में उसकी आवाज पड़ी तो उसकी सारी खुशी फीकी पड़ गई और उसे आभास हुआ कि बेशक उसके पंख सुंदर हैं, वह खूबसूरत है, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, वह कोयल की तरह नहीं गा सकती। इसी दुख में वह उदास होकर बैठी हुई थी कि तभी उसका एक दोस्त बंदर वहां आ पहुंचा। नवरंग ने अपनी सारी परेशानी बंदर को सुनाई। बंदर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम कितनी बेवकूफ हो, तुमने यह तो देखा कि तुम्हारे पास कोयल जैसी आवाज नहीं है, लेकिन क्या तुमने यह देखने की कोशिश की कि कोयल के पास तुम्हारे जैसी सुंदरता नहीं है? बंदर ने कहा, ईश्वर ने सभी को अलग अलग काम और उद्देश्य के लिए बनाया है और सभी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं दी हैं। इसीलिए तुम्हें खुद की प्रतिभा को निखारना चाहिए और अपनी प्रतिभा पर गर्व करना चाहिए। दोस्त, इस छोटी सी कहानी से हमें यह समझ आ जाता है कि भगवान ने सबको समान रूप रंग गुण प्रतिभा नहीं दी, बल्कि सब हमारी आंखों का धोखा है कि दूसरों के पास हमसे ज्यादा काबिलियत है या दूसरे हमसे बेहतर हैं, और इसी तरह हम हमेशा खुद को कम आंख जाते हैं। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूसरों के बारे में सोचते हुए ही गुजरता है। आप दूसरों के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा सोचने लगते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है।
यदि आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा। दोस्तों, हमारे अंदर इच्छाएं कई तरह की होती हैं। सफलता प्राप्त करने की इच्छा, अपने मकसद को पाने की इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा, लाइफ को मीनिंगफुल बना देने वाली चीज के लिए की इच्छा, कुछ बढ़िया करने की इच्छा। लेकिन ज्यादातर लोग मन में कुछ इच्छाएं लिए ही कब्र में चले जाते हैं। यदि आप जीवन जी रहे हैं तो आपके पास एक उद्देश्य जरूर होगा, लेकिन यदि आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आपकी लाइफ में उद्देश्य की कमी है। क्या वाकई आपके पास कोई उद्देश्य है भी, या आप बिना उद्देश्य के लाइफ की गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं? याद रखिए, आपका उद्देश्य ही आपके अंदर कुछ करने की लगन पैदा करता है। आपको एक उद्देश्य बनाना होगा और उसे पूरे लगन के साथ पूरा करने में जुट जाना होगा। जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना जाना लगा ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी लगने लगता है कि सब खत्म हो गया, जिंदगी बहुत बेकार है और मैं क्यों जी रहा हूं। लाइफ हमें बहुत बार ठोकर मारती है, लेकिन एक्चुअली वह हमें ठोकर नहीं मार रही होती, वह तो बस हमारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही होती है कि हम बुरे से बुरे परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं। क्या आप हर दिन खुद से एक सवाल पूछते हैं? सवाल है, क्या आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य है? और यदि है तो क्या आप अपनी लाइफ में अपने उद्देश्य के करीब पहुंच रहे हैं? क्या आप स्वार्थी बनकर खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, या दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है? क्या आपने कुछ जिम्मेदारियां अपने कंधों में डाल रखी है, या फिर आप ऐसे ही चले जा रहे हैं? अपने उद्देश्य को पाने के लिए कोई साफ लक्ष्य है भी या नहीं? यदि है तो उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, या सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं? यदि आप इन प्रश्नों के जवाब ना शब्द से दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है और आप हर दिन का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, लाइफ हमें उसी हिसाब से सब कुछ देती है जिस हिसाब से हम उसे देते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है, हमें वही सब मिलेगा जो हम देंगे। यदि हम बबूल का पेड़ लगाएंगे तो हमें आम कहां नसीब होगा? बबूल के पेड़ में आम तो नहीं लगते। तो हम ऐसा क्यों करते हैं कि लाइफ को कुछ अलग ही देते हैं और पाना कुछ अलग ही चाहते हैं? ज्यादातर लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, और इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है, लोग क्या कहेंगे। एक कहानी सुनाता हूं। रामू और उसकी पत्नी मीना अपने घोड़े पर बैठकर सफर के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनसे कहा, कैसे निर्दय लोग हैं, घोड़े की जान लेकर रहेंगे, ऐसा भी कोई करता है? दो लोग एक छोटे से घोड़े पर। जैसे ही रामू ने यह सुना, वह घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर सफर करने के बाद रास्ते में उन्हें कुछ औरतें दिखी, जिन्होंने मीना से कहा, बेचारा पति पैदल चल रहा है और देखो इस महारानी को जो घोड़े पर कितनी शान से बैठी है और सफर का आनंद ले रही है। मीना ने जब यह सुना तो उसने अपने पति को घोड़े पर बैठने के लिए कहा और वह पैदल चलने लगी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे कुछ और लोग मिले, जिन्होंने रामू से यही बात दोहराई, कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी को पैदल चलने दे रहा है और खुद घोड़े पर शान से राजा की तरह बैठा हुआ है। यह सुनने के बाद रामू फौरन घोड़े से नीचे उतर गया और अब दोनों पैदल चलने लगे। अब रामू और मीना दोनों खुश थे कि लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुछ लोगों ने उनसे कहा, देखो ये दोनों कैसे गधे हैं जो घोड़े की सवारी ना करके पैदल चल रहे हैं, घोड़े ने क्या किस्मत पाई है। दोस्तों, आपने एक गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत ना जाए रहना। आप कुछ भी काम करेंगे, लोग आपको हजारों तरह की बात बोलेंगे, अपनी अपनी राय देंगे, और लोगों को फ्री में सलाह बांटने की बड़ी बीमारी होती है और आज तक इसका कोई दवाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यदि आप इस वजह से कुछ नहीं कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं जिसमें आपको विश्वास होता है कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन चंद लोगों की बातों को सुनकर जब आप अपने हौसले को कमजोर करते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। इस बात को याद रखिए कि जब आप सफल होने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो आपकी मुलाकात ऐसे प्राणियों से होगी जो आपकी टांग खींचे, आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। उनके शब्द आपको कमजोर कर सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। इस बात को गांठ बांध कर चलना होगा कि लाइफ में ऐसे नमूने आएंगे ही, लेकिन सफल आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। लाइफ में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना होता है। हर मोड पर हमें एक से बढ़कर एक ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कुछ लोग अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचें, कुछ लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे कि आपको वह हमेशा दिखाए, आपको कमजोर बनाएंगे
लेकिन आपको इग्नोर करना सीखना होगा। लोगों की बातों को माइंड से मत लगाइए। हाँ, कुछ लोग होंगे जो उनके अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, आप उनसे सीख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनकी लाइफ में जो हुआ आपके साथ भी वही चीज हो। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको जो सही लगता है आप वह कीजिए। आप दूसरों के अनुभवों से सीखिए, लेकिन कुछ चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना भी जरूरी है। न रात की खबर लगी, न जाने कब सवेरा हुआ, न जाने कब मुसीबतों से यारी हुई, न जाने कब मेहनती मिजाज मेरा हुआ। सपने देखना कभी ना छोड़े। जिस दिन आप सपने देखना छोड़ देंगे, उस दिन समझ ले कि आप हार गए। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। सफलता कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत का रंग ही ऐसा आता है। इतिहास रचना मेहनती के लिए बड़ी बात नहीं। पहचान के जरिए मिला काम बहुत कम समय के लिए ही टिक पाता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर कायम रहती है। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।